सो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ मेनी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय फाइव। तीन डिजिट वाला नंबर ऐसे कितने हैं जो फाइव से डिवाइड होते हैं, और यहाँ पर नेचुरल नंबर यूज किया है तो नेचुरल नंबर मतलब जो पॉजिटिव नंबर आते हैं, ना जीरो आएगा ना निगेटिव नंबर आएगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो वन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इनफाइनाइट जाता है, तो वो चीज। तो निगेटिव नंबर यहां से नहीं आएगा, ये हमको नेचुरल नंबर से पता चल रहा है। उसके बाद क्या बोला, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर। सबसे पहले आप मेरे को एक बार बताओ, अभी यहां पर हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से उसको सॉल्व करना है, तो आपको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा नंबर की। सबसे पहली ये चीज कि थ्री डिजिट शुरुआत कहां से होती है, ऑब्वियसली 100 से शुरू होता है। तो और आगे क्या बोला है, डिविजिबल बाय फाइव, कौन कौन से ऐसे नंबर है जो थ्री डिजिट है और वो फाइव से डिवाइड होते हैं। फाइव से वही नंबर डिवाइड होगा, याद रखना, जिसके आखिरी में, जिसके लास्ट में या तो जीरो आ रहा है या तो फाइव आ रहा है, या तो जीरो आ रहा है या तो फाइव आ रहा है, ठीक है। 101, इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, 100, इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, 101, 1 नहीं होगा, 2, 3, 4, अगला 5, क्योंकि मैंने क्या बोला, आखिरी नंबर या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। इसका अगला नंबर 110, इसका अगला नंबर 115, ठीक है। तो ऐसे 5-5 का डिफरेंस आएगा। और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर देखो, लास्ट थ्री डिजिट नंबर होता है 999, बट आखिरी में 9 आ रहा है, वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। उससे पहले वाला 998, उससे पहले 997, उससे पहले 996, ये सारे 5 से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि आखिरी में 5 और 0 नहीं आ रहा है। उससे पहले आएगा 995, तो ये आपका लास्ट डिजिट होगा 995, थ्री डिजिट का जो डिवाइड होता है 5 से, ठीक है। ये आपकी एक सीक्वेंस बन गई। अब इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, बस हमको ये निकालना है, हमको ये नहीं पता कितने नंबर आ रहे हैं, जैसे ये 1, 2, 3, 4 कितने नंबर आ रहे हैं, बीच के तो हम गिने नहीं ना, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला है एक, मैं बता देता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब इसमें टर्म बता रहा हूं, Tn मतलब होता है लास्ट टर्म, यहां पर लास्ट टर्म आएगा, Tn मतलब होता है लास्ट टर्म, तो यहां पर Tn है आपका 995, लेकिन वो कितने नंबर पे है ये नहीं पता, तो n हमको नहीं पता, n फाइंड आउट करना है। ये आपका आता है फर्स्ट टर्म 1100, पहला वाला नंबर। डी है आपका डिफरेंस, इस सारे के बीच में डिफरेंस कितना है, 5-5 का डिफरेंस है, देख लो, तो डी आएगा आपका 5, है समझ में, ठीक है। ये चीज को आप फॉर्मूले में डालो, टी एन बोले तो 995 इज इक्वल टू ए बोले तो 100 प्लस एन हमारे पास नहीं है, एन फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 और डी है आपका 5, है समझ में। सबसे पहले बॉडमास के रूल, बॉडमास ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है। तो n में से 1 तो माइनस नहीं कर सकते, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मतलब ऑर्डर नहीं है हमारे पास, डिवीजन नहीं है, इसलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय n, 5 n हो जाएगा, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 होगा, लेकिन ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, इतना समझा, ओके। 995 इज इक्वल टू, अभी ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, ये वाला वेरिएबल है नंबर के साथ, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले नंबर को नंबर से सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 5 कितना होगा, 95, 100 माइनस 5 कितना होगा, 95, और प्लस 5n वैसे के वैसे रहने दो, ठीक है। अब 95 को उधर लेके जाओ, क्योंकि अभी हमारे को n निकालना है ना, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, 995, ये 95 इधर आके माइनस 95 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ 5n बचेगा क्योंकि ये 95 तो इधर आ गया। अब इनका क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, 995 में से माइनस 95 करे तो आप 900 होगा ना, इज इक्वल टू 5n। अभी n और 5 के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हमको n निकालना है ना, तो 5 को भी हटाना पड़ेगा, मतलब इसको इधर लेके आओ, इधर लाएंगे, मतलब क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 900 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n, 5 वन ज़ा 4 बचा, 4 इसको दो, 5 8 ज़ा 40 और 1 0, तो आपका n कितना आया, 180, n कितना आया, 180। तो ये बता रहा है कि 180 ऐसे नंबर है, ऐसे थ्री डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो फाइंड हाउ मेनी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, वो आपका आंसर आएगा 180, आया समझ में, ठीक है, थैंक यू।